उत्तराखंड के रुड़की में होली के मौके पर एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना में 4 से 5 आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं। घटना बुधवार देर रात की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस हत्या का कारण पुरानी रंजिश मान रही है और हर पहलू से घटना की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर के मोहल्ला खालसा निवासी 40 वर्षीय बबलू अपने परिवार के साथ रहता था। बुधवार की रात करीब 10:30 बजे बबलू के परिवार के लोग पड़ोस में होली मिलने के लिए गए हुए थे और बबलू घर में अकेला था। स्थानीय लोगों की माने तो करीब 4 से 5 युवक घर में घुसे और बबलू को घर में अकेला पाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक के परिजन जब घर वापस लौटे तो उन्होंने बबलू को मृत हालत में देखा, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भेज दिया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है कि घटना पुरानी रंजिश से भी जुड़ी हो सकती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।